हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट नेपोलियन मास्टिफ डॉग ब्रीड। सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन की। बेसिकली ये इटली की डॉग ब्रीड है जिसको साउथ इटली नेपल्स में ब्रीड कराया गया था, जहां से इसका नाम पड़ा था नेपोलियन मास्टिफ डॉग ब्रीड। नेपोलियन मास्टिफ डॉग ब्रीड बेसिकली एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसको आप छोटी जगह पे नहीं रख सकते। दे आर परफेक्ट फॉर फैमिलीज, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो देन यू कैन नॉट ओन दिस डॉग, क्योंकि इस डॉग को रखने के लिए एक एक्सपीरियंस और एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट डॉग ओनर की जरूरत है, जिसको डॉग्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। वही इन डॉग्स को डील कर सकता है और वही इन डॉग्स को रख सकता है। ये ब्रीड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। सो नेपोलियन मास्टिफ डॉग ब्रीड्स आर वेरी ह्यूज साइज, काफी ह्यूज साइज के होते हैं, काफी लटकी हुई स्किन होती है। और कहा यह जाता है कि इनकी लटकी हुई स्किन का मकसद यह था कि जिन लोगों ने इनको ब्रीड करवाया था वो लड़ाई के दौरान इस डॉग ब्रीड को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर किसी डॉग से ये लड़ सकते हैं तो उससे इनको फायदा यह होता था कि जो भी डॉग इस ब्रीड के साथ फाइट करता था उसकी बाइट में इनकी सिर्फ स्किन आती थी, ना कि इनके गोश्त को, ना कि इनकी हड्डियों को, ना कि इनके ऑर्गन्स को कोई नुकसान पहुंचता था। तो इसी वजह से इस डॉग ब्रीड की स्किन इतनी ज्यादा लटकी है। ब्रीडर्स ने यही सोच के इसको ब्रीड करवाया था। इस डॉग ब्रीड को रखने के लिए आपको ठीक ठाक बड़ी जगह चाहिए होगी। अगर आपका घर छोटा है और यू लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट तो आप इस डॉग ब्रीड को नहीं रख सकते, क्योंकि इसको रखने के लिए आपको रूफ टॉप की ज़रूरत है या तो बैकयार्ड चाहिए होगा बड़ा सा जहाँ पे ये घूम फिर सके। नेपोलियन मास्टिफ बेसिकली एक मस्क्यूलर साइज डॉग ब्रीड है जिसको डेली एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मसल्स को मेंटेन करने का, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का। अगर आप इनको डेली एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और ओबेसिटी में चले जाएंगे। इनका वेट बढ़ता ही चला जाएगा अगर आप इनको डेली एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो। नेपोलियन मास्टिफ आर नोन एज जेंटल जाइंट्स। जेंटल जाइंट्स भी कहा जाता है इस डॉग ब्रीड को, बिकॉज दे आर वेरी मच जेंटल विद किड्स। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, इसलिए इनको जेंटल जाइंट्स भी कहा जाता है। बट आई रिकमेंड यू कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको इनके साथ मत खेलने दीजिए, क्योंकि इनको उनसे नुकसान भी पहुँच सकता है। आपका बच्चा गिर सकता है या डॉग की कोई चीज़ उनको लग सकती है तो उससे आपके बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। नेपोलियन मास्टिफ का फर्स्ट डॉग शो वॉज इन 1946 में इसका फर्स्ट डॉग शो हुआ था जहाँ पे नेपोलियन मास्टिफ को शो करवाया गया था। और उसके बाद 2004 में अमेरिकन केनल क्लब ने इसको रजिस्टर्ड किया था इन द AKC। इस डॉग ब्रीड को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इफ़ यू ओन अ नेपोलियन मास्टिफ आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा कि डॉग्स को वैसे तो बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नेपोलियन मास्टिफ को फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस डॉग ब्रीड की हाइट एंड वेट की बात की जाए तो ये एक काफ़ी बड़ी साइज़ की डॉग ब्रीड है। और जो नेपोलियन मास्टिफ की हाइट है, जो मेल्स की हाइट होती है दैट इज़ 26-30 inches टॉल, और फीमेल की हाइट होती है 24-28 inches टॉल। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो नेपोलियन मास्टिफ में जो वेट है दैट इज़ अराउंड 55 kg से 70 kg तक का वेट हो सकता है एक अडल्ट मेल का। और गाइज नेपोलियन मास्टिफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली इनकी आंखों में प्रॉब्लम आती है, आई इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, काफ़ी हैवी फेस होता है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से साफ नहीं करोगे तो वहाँ पे इनको इन्फेक्शन हो जाता है और मोस्टली इनकी आईज़ जो हैं उससे इफेक्टेड हो जाती हैं। सो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है इफ़ यू ओन अ नेपोलियन मास्टिफ। सो गाइज अब बात करेंगे इसके प्राइस की कि इंडिया पाकिस्तान में इस डॉग ब्रीड के क्या प्राइस हैं। पाकिस्तान का मैं आपको एक्जैक्टली बता सकता हूँ, इंडिया का एक आइडिया दे सकता हूँ। इंडिया के अंदर इस डॉग ब्रीड का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 60,000 से लेके 1,00,000 तक के दरमियान आपको ये ब्रीड मिलेगी इन टॉप क्वालिटीज़ लाइन। और अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान में ये ब्रीड आपको मिलेगी 2,00,000 से लेके 3,00,000 के दरमियान। आपको इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी या जिसके पास होगी वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी देगा। द रीज़न इज़ दिस ब्रीड इज़ वेरी रेयर इन पाकिस्तान। इंडिया का मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, इंडिया में भी ये रेयर ही है, मैंने ज़्यादा लोगों के पास नहीं देखी। ये बेसिकली वो ब्रीड है जो कि सल्लू भाई ने रखी है, सलमान खान के पास भी ये डॉग ब्रीड मौजूद है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लव यू ऑल।